गोरी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ बैठी हुई थी। इतने में जोर से बादल गरजने की आवाज आई। डरो नहीं बच्चों, ये बादल तो इसलिए गरज रहे हैं कि ये हमें बरसात का संदेश दे रहे हैं। माँ, मुझे बादलों के गरजने से बहुत डर लगता है। नहीं बेटा, बादलों से डरते नहीं। अगर आप डरोगे तो आपका छोटा भाई भी डरेगा और मैं बाहर कैसे जाऊंगी? माँ, आप बाहर क्यों जा रही हैं? बेटा, हमारे खाने के लिए अनाज खत्म हो गया है और आइंदा चंद रोज बारिश रहेगी और बारिश में अनाज जमा करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मुझे अभी अनाज की तलाश में जाना होगा। आप अपने छोटे भाई का ख्याल रखना और किसी भी सूरत में घर से बाहर ना निकलना जब तक मैं ना आ जाऊं। ये कहकर गोरी चिड़िया वहां से उड़ गई। उड़ते उड़ते वो साथ वाले जंगल में चली गई, मगर उसे कहीं भी दाना नजर ना आया। इतने में तेज बारिश शुरू हो गई। गोरी चिड़िया से उड़ना मुश्किल हो गया, इसलिए वो एक शाख पर बैठ गई और बारिश रुकने का इंतजार करने लगी। उधर रानी कौवी जो मजे से बारिश से लुत्फंदोज हो रही थी। हाय, कितने मजे का मौसम है। इस मौसम में तो दाल खाने का अपना मजा है, पर दाल तो खत्म है। ऐसा करती हूँ, गोरी चिड़िया से थोड़ी सी दाल ले आती हूँ। ये कहकर वो गोरी चिड़िया के घर चली गई। वहाँ जाकर देखा तो गोरी चिड़िया तो मौजूद ही ना थी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे। रानी कौवी ने गोरी चिड़िया के छोटे बच्चे को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वो खुद से बोली, आई तो मैं दाल के लिए थी, मगर मुफ्त में गोश्त मिल गया। अब तो बारिश का और मजा आएगा। ये कहकर वो बोली, बेटा डरो नहीं, मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है ताकि तुम डरो नहीं। उसने कहा है कि मेरे छोटे बच्चे को मेरे पास ले आओ, उसे डर लग रहा होगा। रानी कौवी की बात सुनकर गोरी चिड़िया का छोटा बेटा बोला, रानी आंटी, मेरी मामा खुद क्यों नहीं आई? बच्चे की बात सुनकर रानी जल्दी से बोली, उसे कोई काम है इसलिए वो रुक गई। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे भाई का अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये कहकर रानी कौवी ने गोरी चिड़िया के छोटे बच्चे को उठाया और घर ले आई। घर आते ही उसने उसे गिरा दिया और उसका खून पीने की तैयारी करने लगी। इधर गोरी चिड़िया का बच्चा खुद से बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा करता हूँ, मैं भी रानी आंटी के पास चला जाता हूँ। ये कहकर वो रानी कौवी के घर आ गया, मगर सामने का मंजर देखकर उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। रानी कौवी उसके छोटे भाई का खून पीने की तैयारी कर रही थी। उसने जल्दी से पास पड़ी हथौड़ी उठाई और हमला कर दिया। रानी कौवी यकदम हमले से घबरा गई और वहाँ से भाग गई।